चल रही थी 16 नवंबर 2006, अब तक तो बात दादा चौथी पेज के मध्यांत में इस देशों से लगभग 300 डबल विदेशी भाई बहने आए हुए हैं। ऐसा किसी ने कहा, उनसे बाप दादा ने बोला तो डबल विदेशियों का डबल पुरुषार्थ चलता है। एक तो है सेवा का पुरुषार्थ और दूसरा है स्वयं का पुरुषार्थ। तो टाइटल तो डबल विदेशी अच्छा है, डबल सेवा चल रही है सबकी और इंडिविजुअल भी, तो डबल सेवा हुई। किस समय एक चलती है, किस समय दूसरी चलती या साथ साथ चलती है, जो समझते हैं कि दोनों ही सेवा स्वयं की और साथ की, जो भी आत्माएं हैं साथ में रहने वाली साथ ही आत्माएं, उनकी सेवा साथ साथ चलती है, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाया गया तो मेजॉरिटी पास हुए। ठीक रफ्तार से चलती है और आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी समय के अनुसार एक ही समय डबल सेवा चाहिए। स्वयं की सेवा में अलग टाइम देना और दूसरों की सेवा में अलग टाइम देना, ये नहीं चलेगा। विश्व की भी सेवा हो और स्वयं की भी सेवा हो, क्योंकि सारी दुनिया को सुख शांति की किरणें देनी है। तो आप सोचो अभी कितनी आत्माएं रही हुई है विश्व में, चाहे विदेश में चाहे देश में। तो जो भी आत्माएं रही हुई हैं उनकी सेवा करनी है ना। हर रोज ये चेक करो कि डबल सेवा हुई और कितनी परसेंटेज में हुई, और जो भी सेवा हुई डबल सेवा वो पावरफुल हुई या परसेंटेज में हुई। वैसे सभी के लिए ये कह रहे हैं, सिर्फ डबल विदेशियों के लिए नहीं कह रहे हैं, भारतवासियों को भी डबल सेवा करनी है, स्वयं की भी और विश्व सेवा भी। बाबा शब्द तो दिल से बोले, मुख से नहीं दिल से बोले। तो अभी यह भी चार्ट रखना कि बाबा का कनेक्शन सारे विश्व से है, कोई एक दो आत्माओं से नहीं। तो विश्व की सेवा चाहिए, ये चार्ट रखना, क्योंकि डबल विदेशी तो डबल रफ्तार में जाने वाले हैं ना। बाप दादा खुश क्यों होते हैं डबल विदेशियों को देख करके? बाप दादा को एक विशेषता डबल विदेशियों की बहुत प्यारी लगती है, जानते हो ना वह कौन सी विशेषता है? डबल विदेशी सच बोलते हैं। सोलह ग्यारह 2006 की अव्यक्त वाणी का पांचवा पेज, क्या विशेषता बताई?
सच्चे दिल पर साहब राजी, जो सच्चे तो बिठो नच्चे, चाहे गिरते भी हैं तो भी सच बोलते हैं, चढ़ते हैं तो भी सच बोलते हैं। तो सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। अब ये ऐसा वायुमंडल बनाओ जो एक दो को देखकर सभी जैसे रेस करते हैं ना, रीस नहीं रेस करते हैं, तो कोशिश करते हैं हमारा नंबर आगे जाए। लेकिन आप खुद तो आगे जाओ, साथ साथ साथियों को भी ऐसी लिफ्ट दो जो वह भी आगे जाए, ठीक है ना? ऐसी हिम्मत है ना? हर एक सेंटर का वायुमंडल ऐसा हो जैसे मधुबन का वायुमंडल। मधुबन वाले संपूर्ण नहीं बन गए हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो मधुबन के वायुमंडल से खुश हो जाते हैं। ऐसा सेंटर का भी वायुमंडल हो, जो गाया हुआ है ना, घर घर स्वर्ग बनेगा। कौन सा घर स्वर्ग बनेगा? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, क्या सारे ही स्वर्ग बन जाएंगे? फिर कौन से घर घर स्वर्ग बनने का गायन है? है? जो भी गीता पाठशालाएं हैं, जो भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हैं, जो भी गीता मंदिर का गायन है, वो घर घर है। जो भगवान बाप के स्थापन किए हुए मंदिर हैं, वो घर घर स्वर्ग बनेगा। तो सब सेंटर इंडिया वालों के लिए भी है, तो सब सेंटर ऐसे हो जो स्वर्ग का नक्शा हो, तब तो कहेंगे घर घर स्वर्ग बन गया, अच्छा है। फॉरिनर्स की ये विशेषता है, अगर दृढ़ संकल्प किया किसी भी बात का तो फॉरिनर्स वो बात करके दिखाते हैं। अभी इस संस्कार को इस कार्य में लगाओ। किस कार्य में? हैं? अभी तो बताया घर घर को स्वर्ग बनाना है, करके ही छोड़ना है, ठीक है? करना है ना? तो अगली सीजन में ये रिजल्ट पूछेंगे। हर एक सेंटर स्वर्ग का नक्शा हो, अच्छा, मुबारक हो। हर एक सेंटर स्वर्ग का नक्शा हो, और सेंटर तो ऑल इंडिया में फैले हुए हैं, ऑल वर्ल्ड में फैले हुए हैं। चलो बेसिक वालों की बात छोड़ दो, एडवांस नॉलेज के भी जो फैले हुए हैं, तो ऑल इंडिया में ऑल वर्ल्ड में स्वर्ग बनेंगे क्या? है? नहीं, कहां स्वर्ग बनेंगे और कौन स्वर्ग बनावेंगे और सेंटर कौन से होंगे? चैतन्य सेंटर तो होंगे, 500 करोड़ तो नहीं होंगे, है? करोड़ तो नहीं होंगे, लाखों होंगे, लाखों भी नहीं होंगे, 9 लाख होंगे, 9 लाख में भी 4.5 लाख तो जन्म लेने वाले हैं, उनकी तो बात ही नहीं जीते जी स्वर्ग बनाने की। अच्छा, तो 4.5 लाख होंगे,
एक लाख होंगे, एक लाख माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, उनमें प्रजा नहीं होगी, जो प्रजा वर्ग की होंगी उनका सेंटर होगा, सेंटर माने चारों तरफ से खींच करके इकट्ठे एक जगह आते हो, प्रजा वर्ग वाले सेंटर बनावेंगे कि राजा वर्ग वाले सेंटर बनावेंगे, प्रजा वर्ग वाले सेंटर बनावेंगे, जो स्वर्ग का नक्शा है सेंटर का वो प्रजा वर्ग वाले बनावेंगे, प्रजा वर्ग वाले तो पुरुषार्थ ही अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में भले पुरुषार्थ करें जब प्रत्यक्षता हो जाए, तो प्रजा वर्ग वालों की तो एक लाख की बात है ही नहीं, फिर कितने बनावेंगे, कितने सेंटर स्वर्ग बनावेंगे, अरे कुछ हिसाब होगा कि नहीं होगा, 108 सेंटर होंगे जो स्वर्ग बनाएंगे, अच्छा उन्हें 108 का कोई सेंटर नहीं होगा, 108 जो है वो अलग अलग ग्रुप के होंगे कि एक ग्रुप के होंगे, अलग अलग ग्रुप के होंगे, तो उन सब ग्रुप्स का एक एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, हर एक ग्रुप का सेंट्रलाइजेशन एक में होगा या नहीं होगा, तो कितने बचे, 12-12 के ग्रुप कितने हुए, नौ, तो कितने सेंटर हुए, 9 सेंटर हुए, अरे पहले तो जो 9 सेंटर हुए वो 9 सेंटर जो है वो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है, आखिरी धर्म में होते हैं या सिर्फ एक ही धर्म से कनेक्टेड होते हैं, आखिरी जन्म माने वो चैतन्य आत्मा जो 9 ग्रुप जिनके 9 ग्रुप्स के जो मुखिया बनते हैं वो एक ही धर्म से कनेक्टेड होते हैं या सब अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड होंगे, जो अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड होंगे वो तो प्रभावित हो गए, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो नहीं रहे नहीं, तो कितने बचे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बचे, सूर्यवंशी जो चंद्रवंशी बचे उनमें भी अव्यक्तवाणी में तो ये बोल दिया है कि एक पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। यहां टाइम किसने बताया, अगले सीजन, अगला सीजन तो एक साल के बाद ही आ जाएगा, तो अगले सीजन में सेंटर को स्वर्ग बनाने का जिम्मा कौन उठाएगा, जहां एक धर्म, स्वर्ग का मतलब क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक राजा रानी, किस राजा है, राजा रानी, एक राजा रानी, एक भाषा, या उस सेंटर में सेंट्रलाइजेशन रखने वाली बुद्धि योग से जो भी आत्माएं होंगी एक ही भाषा बोलने वाली हो, तभी तो स्वर्ग कहा जाएगा, कि उसमें अलग अलग भाषाओं के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे स्वर्ग कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा ना, एक भाषा एक मत, क्या जो एक कहे सोई सब कहे, जो एक की मत हो वही सब की मत हो, और एक ही कुल, ऐसा स्वर्ग का नक्शा बनाओ, अगली सीजन में देखेंगे।
बोला ना अगर दृढ़ संकल्प किया किसी भी बात का तो डबल विदेशी तो करके दिखाते हैं। अभी संस्कार को इस कार्य में लगाओ करके ही छोड़ना है तो अगली सीजन में ये रिजल्ट पूछेंगे। किससे बोला ये सारी बात किससे बोली? डबल विदेशी। तो कौन से डबल विदेशी किधर हुए है? रुद्रमाला में डबल विदेशी कहेंगे कि सिंगल विदेशी कहेंगे? सारी है? जो इस्लामी बौद्धी है क्रिश्चियन है वो तो पहले ही विदेशी है। डबल विदेशी कैसे है? बेसिक से भी टुकराए गए और एडवांस में भी ठुकराए गए। सब उनकी क्लानिंग करने लग पड़े। तो हर एक सेंटर स्वर्ग का नक्शा हो अगले सीजन में, ऐसे संभव है? हैं? संभव है? कोई गीता पाठशाला ऐसी निकलेगी? कोई सेंटर ऐसा निकलेगा जहां एक धर्म हो, एक राज्य और एक राजा रानी हो, एक भाषा हो? दूसरी भाषा अगर किसी ने बोल दी तो स्वर्ग का नक्शा टूट गया। एक मत हो। पहले तो गीता पाठशाला चलाने वाले जो है उनकी एक मत हो। तो हर एक सेंटर स्वर्ग का नक्शा हो अच्छा मुबारक हो। स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चेस डायलॉग करने के लिए प्लानिंग ग्रुप सामने आया है। रमेश भाई ने बाप दादा को सुनाया कि हर एक वर्ग में जो कोई न कोई विशेष किसी वर्ग विषय पर रिसर्च कर रहे हैं उन मुख्य लोगों का एक डायलॉग करने का विचार है। उसकी मीटिंग चल रही है। किसने बताया? रमेश भाई ने बताया। तो बेसिक नॉलेज के लिए रमेश होंगे कि बेहद में भी होंगे? बेहद में ही होंगे। हद में नहीं होंगे? हद में है उनको भी बोला, बेहद में है उनको भी बोला। लेकिन बाप दादा विशेष बात किससे कहते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से विशेष बातें करते हैं। तो हर वर्ग में जो कोई भी विशेष किसी वर्ग विषय पर रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों का एक डायलॉग करने का विचार है। अच्छा बाप दादा ने बोला, अच्छा ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जो सब आपस में मिलकर के सब ग्रुप विचार करें, मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो सब धर्म वालों को मिलकर के इकट्ठा करते हैं ना, करते हैं ना? बेसिक वाले भी ऐसे ही करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो सब धर्म वालों को निमंत्रण दे करके बुलाते हैं। तुम अपनी बात कहो, ये अपनी कहे, वो अपनी कहे, फैसला कोई नहीं कर पाता। राइट क्या हुआ? फैसला होता है क्या? सब अपनी ट्रां ट्रां करके और सब चले जाते हैं। तो रमेश भाई ने कहा हर वर्ग वाले जो जो रिसर्च कर रहे हैं
उसका एक डायलॉग बनाया हुआ है, बनाने का विचार है, जिसकी मीटिंग चल रही है। अच्छा, हर एक विंग अपनी सेवा करके उसमें से निकालेंगे, फिर उसका डायलॉग रखेंगे, तो हर एक विंग का बाप दादा भी देखेंगे किस विंग ने क्या निकाला। रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, तो कोई नई बात निकालेंगे ना। कौन सी आत्माएं रुचि वाली निकाली, अच्छा है, फिर सब मिलकर के डायलॉग करेंगे, बहुत अच्छा है। रमेश भाई फिर बोले, सभी विंग्स और सभी जोन के कनेक्शन से, सबके सहयोग से यहां डायलॉग का कार्यक्रम होगा। कहां है यहां, माने कहां है? बेसिक वाले जिसे मधुबन कहते हैं, वो तो वही मधुबन मानते हैं जहां ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है, उसी को मानते हैं ना। माने सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा कृष्ण की जहां प्रवेश करके पाठ बजाती है, वाणी चलाती है, उसी को ही मधुसूदन का घर समझते हैं, वो ही मधुबन है। और एडवांस वाले क्या समझते हैं है? एडवांस वाले समझते हैं कि जहां कृष्ण की सोल प्रवेश करके बाप के साथ, सुप्रीम सोल बाप के साथ प्रवेश करके त्रिमूर्ति हाउस तैयार करती है। कौन कौन सी तीन आत्माएं, ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, राम की सोल और शिव की सोल, वो मधुबन है। जहां बेहद की मिठास वृद्धि, कोई किसी से कड़ुआ ना बोले, क्या मधुबन माना। जहां सब एक दूसरे से प्यार से मिठास से बोलते हो, आपस में कोई से कड़ुआपन ना होता हो, अगर कड़ुआपन हुआ तो मधुबन नहीं है। मिठास भरा हुआ है सबकी वाणी में, सबके कर्मों में, सबके वाइब्रेशन में, तो मधुबन। और दूसरी बात, बन माना बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्या देह और देह के संबंधों से कोई लगाव नहीं, देह के जो भी संबंधी होते हैं, पिता पति नाना चाचा काका ताऊ, उनसे कोई लगाव नहीं, बेहद के वैरागी। लगाव ज्यादा होता है तो क्या क्या करते हैं, जिससे किसी का ज्यादा लगाव होगा तो क्या करेंगे, या किसी से मोह ज्यादा होता है, लगाव ज्यादा होता है, अटैचमेंट ज्यादा होता है, तो क्या क्या करते हैं है? नहीं नहीं, एक संबंध की बात नहीं, किसी भी संबंध में कोई का चाचा से लगाव है, कोई का नाना से लगाव है, कोई का मम्मी से लगाव है, तो कोई का बहन भाई से लगाव है, तो क्या करते हैं, उनकी खास निशानी क्या दिखाई पड़ती है कर्म करने में है? जिसका जिससे ज्यादा लगाव होता है उसे बहुत बात करना चाहते हैं, क्या वो उनसे बात किए बगैर रह नहीं सकते और वो उनसे बात किए बगैर रह नहीं सकते, ये निशानी है ना खास, वो उनसे मिले बगैर नहीं रह सकते, वो उनसे मिले बगैर रह नहीं सकते। जो अगतवाणी में अभी बोला
क्या अष्टदेवों से क्या बोला? अष्टदेव जो है वो बाप के बगैर नहीं रह सकते और बाप अष्टदेवों के बगैर नहीं रह सकते। अब अष्टदेवों में पहला परिवार किसका बनेगा? सारे अष्टदेवों का एक ही साथ बनेगा। स्वर्ग जैसा स्वर्गीय संगठन सबका एक साथ ही बनेगा या उसमें भी ग्रुप है नंबर बार बनेंगे? अच्छा विचार करो। इन्होंने तो बाप दादा ने तो जवाब दे दिया। रमेश ने कहा यहां सबके सहयोग से ये डायलॉग का कार्यक्रम होगा, लेकिन बाप दादा ने जवाब दिया पहले हरेक विंग अपने अपने जोन में करेंगे डायलॉग बातचीत, फिर उसमें जो निकले उन्हें यहां इकट्ठा करो। अपने अपने विंग में डायलॉग करें, फिर उसमें जो निकले उसे यहां इकट्ठा करो, यहां डायलॉग करो। कहां डायलॉग करो? मधुबनी। जहां कहीं भी ऐसा मधुबन जो मधुबन की परिभाषा बताई, वहां जहां कहीं भी मधुबन हो वहां इकट्ठा करो। ठीक है ना? साथ साथ समाचार देती रहे और सहयोग देती रहे। करो हर एक वर्ग, देखें किसमें कितने निकलती है। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा दिल्ली का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बाप दादा बोले जो दिल्ली से आए हैं वो उठो। अच्छा इतने आए हैं क्या? दिल्ली से कितने आए होंगे? भला आए दिल्ली का मेला तो अच्छा हुआ, ये प्रोग्राम था ना, आवाज फैला। मना आवाज फैला क्योंकि टीवी द्वारा भी संदेश मिला, ये तो अच्छा हुआ क्योंकि 10 दिन करने से लोगों को संदेश मिल गया। एक दिन में तो जितने आते हैं उतने ही सुनते हैं संदेश। आवाज किस बात का फैला? संदेश देने का। कोई 12,000 नहीं निकले, क्या निकले 10 दिन में? संदेश लेने वाले। लेकिन 10 दिन में 10 दिन में वैरायटी आई होगी और अपना अपना संदेश लिया होगा तो अच्छा लगा। आप सबको अच्छा लगा, मेला करना अच्छा लगा है? पूछा कोई ने कहा बहुत अच्छा लगा? बाबा को स्पेशल थैंक्स दिल्ली वालों की तरफ से कि बाबा ने ऐसा 10 दिन का प्रोग्राम दिल्ली में रखा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर और जोन वालों में भी उमंग है कि ऐसा हम भी करें, क्योंकि कोई भी कार्य पहले दिल्ली करती है, दिल्ली को फिर सब फॉलो करते हैं, तो दिल्ली निमित्त बन गई औरों को भी प्रेरणा देने के लिए। अभी तक मेगा प्रोग्राम करते थे कितने दिन के है? मेगा प्रोग्राम
ज्यादा एक दिन मुख्य रहा और एक दो दिन आगे पीछे थोड़े टाइम का होता था, और अब ये प्रोग्राम 10 दिन का। तो सभी जोन वालों में उमंग हुआ कि हम भी ऐसा प्रोग्राम करें, भर संदेश ही मिलता रहे, वारसदार कोई निकले या ना निकले। अच्छा हुआ, बहुत समय के बाद मेला शुरू किए हैं। बहुत समय के बाद मेला शुरू किया है। पहले मेला कब शुरू किए थे? 73 में पहला मेला हुआ था दिल्ली में, क्या रामलीला ग्राउंड। तो सबने मेला शुरू करना, सभी शहरों में मेले होने लगे। पहले दिल्ली ने किया, फिर सबने फॉलो किया। अभी ये 10 दिन का प्रोग्राम हुआ मेले का, तो सभी ने ये फैसला किया कि हम भी करेंगे। दिल्ली निमित्त बन गई और उनको प्रेरणा देने के लिए। पहले तो मेला ही था ना, चारों ओर मेले ही मेले होते थे। अभी बड़े प्रोग्राम हो गए हैं, तो मेला भी वैरायटी अच्छा है। तो मुबारक हो सभी दिल्ली वालों को, और दिल्ली वालों ने ही किया इसकी भी मुबारक। कोई ने कहा इंटरनेशनल था, आबू का भी दिल्ली में ही था। जो दिल्ली में 10 दिन का मेला हुआ वो कोई ने बताया ये तो इंटरनेशनल मेला था, आबू वालों का भी दिल्ली में था। बाप दादा बोले फॉरेन वालों को भी मुबारक और आबू वालों को भी मुबारक है। अच्छा रहा, बाप दादा को समाचार मिला, एक दो को देख करके आगे बढ़ती चलो। क्या इस बात में, इस बात में आगे बढ़ते चलो, मेले मलाखड़े करने में आगे बढ़ते चलो। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि इतनी करोड़ आत्माओं को कम से कम ये संदेश तो मिले, क्या कि भगवान बाप आया हुआ है, आया हुआ है कि उड़ गया, आया हुआ है, है? ये संदेश मिला कि भगवान बाप आया हुआ है। मेला देखने वालों को किसी ने पूछा नहीं कहाँ आया हुआ है, किसी ने नहीं पूछा। अभी काफी रहे हुए, जैसे अफ्रीका ने किया है? असली सेवा पिछली अभ्यतवाणी में बोला अफ्रीका ने शुरू की है। इतने सालों से बेसिक में सेवा होती चली आई, कोई ने प्रोजेक्टर किया, कोई ने प्रदर्शनी की, कोई ने मेले मलाखड़े किए, कोई ने कॉन्फ्रेंस की, कोई ने मेगा प्रोग्राम किए, कोई ने लिटरेचर का किया, कोई ने क्या किया, लेकिन असली सेवा किसने नहीं की? किसने की? अफ्रीका ने की। फिर बोला जैसे अफ्रीका ने किया, क्या किया है? क्या किया? ये बोला बाप दादा ने सुना कि यूरोप में भी कोई 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 देश नहीं रहा हुआ है, यूरोप और अफ्रीका दोनों तरफ कोई विशेष देश नहीं रहे, ऐसे सब तरफ होना चाहिए। संदेश तो पहुंचे ना, किस बात का है? कि भगवान बाप आया हुआ है। आया हुआ कहाँ आया हुआ है? कोई पूछ ले कहाँ आया हुआ है तो क्या जवाब देंगे? गुलजार दादी माउंट आबू में गुलजार दादी में आया हुआ है, कैसे मिले है? कोई मिलना चाहे तो कैसे मिलेंगे? दीदी दादियां मिलेंगी और कोई और कोई नहीं मिलेगा। बाप दादा तो बेहद में बोलते हैं क्या आए
आया हुआ है या नहीं आया हुआ है वास्तव में। बाप दादा बोलते हैं कि सबको संदेश मिले, तो झूठी बात बोलते हैं क्या? झूठी बात तो नहीं बोलते कि आया हुआ है। अफ्रीका ने किया क्या किया कि बाप आया हुआ है, ऐसे सब तरफ होना चाहिए, संदेश तो पहुंचे, नहीं तो उलहने बहुत मिलेंगे। क्या दुरापा देंगे? अरे भगवान साकार में सृष्टि पर आया और तुमने हमको नहीं बताया, ये काम किसने किया? अभी है अफ्रीका ने किया और किसी ने नहीं किया। सब उलहने देंगे, हमारा बाप आया और आपने हमको सुनाया भी नहीं, तो उलहना नहीं रह जाए। अच्छा, हैदराबाद सिकंदराबाद से ओल्ड एज होम ग्रुप, होम का ग्रुप आया हुआ है। कोई ने कहा फरिश्ता भवन ओम निवास बूढ़ा घरा बनाया है, उसमें अनेक वीआईपी देखने के लिए आते हैं, सभी मिलकर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैदराबादी ने बताया कि वहां बूढ़ा ओम निवास घर बनाया हुआ है, भिन्न भिन्न सेवाओं से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा है, आगे बढ़ते रहो। सोलह नवंबर 2006 की अभिवाणी का छठा पेज, सब तरफ के डबल विद सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र सुमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियों, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, और चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते और उड़ाने वाले डबल राइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। दादियों से सभी साथ देते चल रहे हैं, ये बाप दादा को खुशी है। किस बात की खुशी है? कि दीदी दादियों को सभी साथ दे करके चल रहे हैं। कौन सी दीदी दादियों को? बेसिक वालियों के या सिर्फ एडवांस में भी होंगी? एडवांस में भी दीदी दादियां हैं जिनको सभी सहयोग दे करके चल रहे हैं। चाहे क्या भी हो लेकिन रौनक लग गई ना। उनका मेहमान नवाजी अच्छी की है, मेहमान नवाजी नहीं की, अपना पुण्य जमा किया। किसकी मेहमान नवाजी है? बेसिक में आते हैं, इतने हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, तो उनकी काय से मेहमान नवाजी की जाती है? किस बात से उनको खुश किया जाता है? है? अरे जो उनको आकर्षण बना रहे, अरे कोई बात से खुश किया जाता है कि नहीं? है? अच्छा अच्छा मकान दिखाएंगे, रखेंगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा अच्छा सफेद भकभके वस्त्र पहने हुए दिखाएंगे। जो भी दुनियावी चीज है, रोटी कपड़ा और मकान, उससे आकर्षित करना, ये तो बेसिक नॉलेज की वाली बात हुई। और एडवांस वाले क्या करते हैं? किस बात से आकर्षित करते हैं लोगों को? जो उनको वही बातें याद आती रहती है, है? ज्ञान, जो ज्ञान है एडवांस में वो बहुत तीखा है, उन तीखी बातों को सुनकर के आत्माएं आने वाली प्रसन्न हो जाती है। तो बोला रौनक लगी ना, महारथी से महारथी मिले तो उनकी सेवा में मजा है। क्या जो महारथी समझे जाते हैं, सेंटर में मुख्य मुख्य भाई समझे जाते हैं, वो जाकर के
एडवांस की बातें कोई बड़ी बहन से सुनते हैं तो कहेंगे महारथी से महारथी मिले, उनकी सेवा में मजा है, साधारण की सेवा में मजा नहीं है। रौनक लगी ना, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे क्या भी हो, लेकिन रौनक लग गई ना तो मेहमान नवाजी नहीं की, अपना पुण्य जमा किया। जिन्होंने भी सेवा की उन्होंने अपना पुण्य का जमा खाता बढ़ा लिया। उन्होंने कहा आपकी गाइडेंस में सब अच्छा हुआ। बाबा बोले सबकी सेवा की दृढ़ता ने काम किया, अशोक मेहता को बहुत बहुत याद। क्या इसको बहुत बहुत याद? अशोक मेहता को। जो भी डॉक्टर से निमित्त बने, जिन्होंने भी सेवा की है दिल से की और प्यार से की है। डॉक्टरों ने बोला बाप दादा आपको बहुत बहुत थैंक्स। बाप दादा को तो मुबारक दी, लेकिन बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं। कोई ने कहा मुन्नी बहन ने बहुत धैर्य रखा। क्या यज्ञ की पुरानी सेवादारी है, उसके लिए बोला मुन्नी बहन ने बहुत धैर्य रखा। किस बात में? आगे बढ़ने में नहीं। मुन्नी बहन पुरानी बहन है और कुमार का दादी दो चार बार बीमार हो गई, तो उनकी सेवा के लिए उनको रखना पड़ा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्यों धैर्य क्यों रखना पड़ेगा? अरे पूर्व जन्मों का कोई से हिसाब किताब है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बहुत काल किया है देखो, फिर भी इन्होंने दादियों की तरफ इशारा किया, फिर भी इन्होंने मिलके जो यहां थे सब ने मिलकर किया ना। निर्भय भाई ने कहा दादी जी और भी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगी कोई बात नहीं, टाइम तो लगता ही है क्योंकि बहुत काल का बहुत समय देना पड़ता है। सब दादियों को देख करके कितनी खुशी है। उनका बंबई के सभी सेवाधारी भाई बहनों ने, विशेष टीचर्स बहनों ने भी बहुत बहुत याद दी है। किसको? बाप दादा को। उन सभी को सेवा की दुआएं। किसकी सेवा की दुआएं हैं? अरे किसकी सेवा की दुआएं? बंबई वालों को, बंबई की खास टीचर्स को, सेवादारी बहनों को। किस बात की दुआएं? सेवा की दुआएं। किसकी सेवा की दुआएं हैं? हाँ दादी वहां पहले अहमदाबाद में भर्ती रही, बहुत दिन कामा में पड़ी रही, फिर वहां से ठीक होके आ गई, माउंट आबू वापस आई ठीक होके, फिर बीमार पड़ गई, फिर बंबई गई। तो बंबई वालों ने, टीचर्स ने, बहनों ने बहुत सेवा की, तो सेवा की दुआएं और याद किया ब्रजमोहन भाई से, अच्छा किया। ये कहां के भाई है?
हैं बंबई के मुखी भाई जिन्होंने ने बंबई नहीं दिल्ली के मुखी भाई ब्रजमोहन भाई जैसे आबू में माउंट आबू में पांडव भवन बनाया गया ऐसे ही दिल्ली में भी एक बड़ा मकान खरीदने में इनका सबसे ज्यादा सहयोग हुआ और ये वहां के मुखिया बनाए गए और पांडव भवन बना जहां दिल्ली के सभी सेंटर्स मिलकर के इकट्ठे होते थे हर महीने अभी भी होते हैं। तो ब्रजमोहन भाई को कहा अच्छा किया मेले की मुबारक हो आपने जो मेले का प्रोग्राम किया उसकी मुबारक ओम शांति।